सब्सक्राइब करें महेंद्रा गुरु यूट्यूब चैनल को। अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें ताकि आपको सारे वीडियोस का अलर्ट मिलता रहे। थैंक यू। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का महेंद्रा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आपके पास एसएससी की सीएचएसएल की क्लास में रीजनिंग की क्लास का टाइम हो चुका है, तो फटाफट से जुड़ जाइए आज हमारे साथ रीजनिंग करने के लिए, जिसमें आपके पास आज हम लेकर आए हैं आपके पास 25 क्वेश्चंस का चैलेंज, जिसको आपको करना है मात्र 10 मिनट में, क्योंकि हमने आपसे वादा किया है कि आप रीजनिंग के क्वेश्चंस एग्जाम में 25 के 25 क्वेश्चन करके आएंगे और वो भी 10 मिनट में। तो वो सब टारगेट कंप्लीट करने के लिए हमें क्या चाहिए? कंटिन्यूअस प्रैक्टिस चाहिए, निरंतर अभ्यास चाहिए, क्योंकि निरंतर अभ्यास एकमात्र ऐसा हथियार है जो कि आपको बड़े से बड़े दुश्मन के सामने विजय दिलवाता है। तो बस उसी का काम करने के लिए हमारे पास में, उसी टारगेट को अचीव करने के लिए हम क्या करेंगे, रूटीन बेसिस पर समय समय पर 25 के 25 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। इससे आपके दो फायदे होंगे, प्लस में जिन स्टूडेंट्स की तैयारी है उन बच्चों का क्या है, एक फटाफट से रिवीजन हो जाएगा कंप्लीट सिलेबस का हर क्लास में। प्लस में जिन बच्चों की अभी स्टार्टिंग है, जिनको पता नहीं है टॉपिक कैसे कैसे होंगे, क्वेश्चंस कैसे कैसे आएंगे, एग्जाम में किस किस पैटर्न से क्वेश्चंस आएंगे, वो सारे आपको क्या है अवेयर हो जाएंगे। प्लस में हम आपको हर एक टॉपिक को डिटेल वाइज तो पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे, इसलिए घबराइएगा नहीं कि मैम अभी तो क्लास स्टार्ट हुई थी और अभी आपने 25 क्वेश्चंस दे दिए, यानी कि अब जो हमारे टॉपिक वाइज डिटेल थी क्या वो हम नहीं जान पाएंगे? वो बिल्कुल जान पाएंगे, वो सारे के सारे पोर्शन हम आपको करवाएंगे हम, लेकिन जो जो टॉपिक आपको करवाते जाएंगे उनका हर थोड़े समय में रिवीजन भी करवाएंगे। जैसे अभी हमने मेजरली दो टॉपिक किए हैं, सीरीज एंड क्यूब। अब हमें चेक करना है कि आप सबने वो दो टॉपिक्स रिवाइज किए हैं अच्छे से या नहीं किए। तो बस उसी के रिगार्ड में हमारे पास आज हम लेकर आए हैं आपके पास 25 out of 25 क्वेश्चंस, जिसमें कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स हमने सेलेक्ट किए हैं जो एग्जाम में बहुत ज्यादा नंबर्स में आते हैं और हर एग्जाम में आते ही आते हैं मैंडेट फॉर्म में। तो फटाफट से जुड़ जाइए आज की क्लास में हमारे साथ। हम देखें तो हमारी क्लास में आ चुकी हैं पल्लवी जी, रानी ऑफ झांसी, बहुत दिनों के बाद देखने को मिली हैं हमें, हमारे अधिकारी सभी के सभी आ चुके हैं क्लास में। अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। हमारे सभी अधिकारी इसलिए कहते हैं क्योंकि हमने मान लिया है कि जिस दिन से आपने तैयारी शुरू कर दी, महेंद्रा गुरु पर आकर आपने ज्वाइन कर लिया है अपनी क्लासेस के लिए, आपने यानी कि डिसाइड कर लिया है कि आप अधिकारी बनेंगे और तब तक नहीं रुकेंगे जब तक आप अधिकारी नहीं बन जाते, तो बस हमारे पास जितने भी स्टूडेंट्स हैं हमारी नजर में उस दिन से अधिकारी हैं जिस दिन से उन्होंने तैयारी शुरू कर ली, बस ज्वाइनिंग लेटर आना बाकी है, वो भी बहुत जल्दी 2019 के अंदर। हर हालत में प्रयास रहेगा कि आपको 2019 में किसी ना किसी सरकारी महकमे का ज्वाइनिंग लेटर हम दिलवा पाएं। बस प्रयास है छोटा सा, उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। अब तैयारी करने के लिए छोटा सा मार्गदर्शन आपको दे देते हैं। काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जो घर बैठकर तैयारी करते हैं और आपके पास क्लासेस में नहीं जा सकते हैं, कहीं जॉब करते हैं या घर के काम काज में हैं या पापा के बिजनेस में समय देना पड़ता है या फर्दर कॉलेजेस हैं, स्टडीज हैं, बहुत सारे मैटर्स हैं, तो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए हम बता दें हमारे पास में होम क्लासेस के रूप में वीडियो गुरु आपके पास है, जो महेंद्रा गुरु आपके पास लेकर आया है आप सबकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। अभी कल ही वैकेंसी आई है SBI PO की, आप सभी को पता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बहुत बड़े लेवल का बैंक है, पूरे भारत को इंतजार रहता है। आप तैयारी कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया, अगर आपके कोई रिश्तेदार, भाई बहन, दोस्त, कोई भी अगर आपके आसपास तैयारी कर रहा है और उसको समझ नहीं पा रहे हैं कि तैयारी कैसे करें, तो महेंद्रा गुरु के वीडियो गुरु के साथ क्या है जाइए, क्योंकि इसमें आपके पास स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के PO लेवल की क्लासेस के जो जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो हमारी एक रिसर्च टीम ने बैठकर एनालाइज किया और हमारी स्पेशल फैकल्टीज की टीम ने आपके लिए क्या है उन लेक्चर्स को प्रिपेयर किया है, बिल्कुल ग्राउंड लेवल से लेकर आपके पास मीडियम से हाई लेवल और मॉडरेट तक गए हैं, क्योंकि SBI आसान से आसान क्वेश्चन पूछता है और टफ से टफ पूछता है, तो आसान भी समझाए गए हैं और टफ लेवल तक भी आपको लेकर जाया गया है इन वीडियो गुरुज के अंदर। तो हर एक सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज आपको क्या है पोर्शन मिलते हैं, हर एक चैप्टर में जाकर आप डिटेल स्टडीज कर पाते हैं। वीडियो गुरु की अगर आप बात करें तो अभी एक ऑफर चल रहा है जो आज के लिए आपके पास दिखाई दे रहा है आपको,
1999 में क्या है, आप SBI PO की तैयारी कर सकते हैं। अगर आपने आज ये मौका चूक दिया तो कल हो सकता है ये आपको जो है 4000 में लेना पड़े, यानी कि आज अगर आपने मौका चूक दिया तो डबल हो जाएगा सीधा प्राइस। इसलिए डोंट बी डिले, देरी नहीं कीजिए। अगर फिर भी कोई क्वारी रहती है तो आप महिंद्रा गुरु की myshop.mahendras.org पर जाकर विजिट कर सकते हैं। फिर भी कोई दिक्कत लगती है कि कैसे कैसे करें तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल कर सकते हैं, जिसका नंबर है 1800103525। इन सब पे जाकर आपके अपनी क्वारीज को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। आई होप आप सभी को ये सभी क्वारीज अंडरस्टैंड हो गई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के चैलेंजेस को। फटाफट से आज के क्लास के लिंक को शेयर कर दीजिए। हम देख रहे हैं अभी तक आपने क्लास के लिंक को शेयर नहीं किया है, क्लास के लिंक को शेयर कर लीजिए। फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, जहां जहां आप लिंक है, व्हाट्सएप पर अपने फ्रेंड्स को कॉल कर बुला दीजिए, क्योंकि 25/25 क्वेश्चन का टारगेट है। इससे आपको काफी हद तक एक सिलेबस का रिविजन भी मिल जाएगा कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, किस किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले हमने जो अभी किया सीरीज, उसी का पार्ट आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है स्क्रीन के ऊपर, तो फटाफट से इसको देख लीजिए और हमें बताइए कि आंसर क्या होगा। तुरंत आंसर आने चाहिए, क्योंकि ये वाला टॉपिक हमने अभी रिसेंटली कुछ क्लासेस में किया है। अभी की जो क्लासेस थी उनमें हमने सीरीज के पोर्शन को ही किया है। फटाफट से बताइए हमें आंसर क्या होगा। जिनका आज पहला क्लास है उनको हम बता दें, जब भी आपको दो क्वेश्चन मार्क दिखाई दे तो समझ जाइए आपके पास जो सीरीज है क्या होगी, दो तरह से डिवाइड हो सकती है। पहली बात तो आपके पास क्या है, ये डबल पैटर्न सीरीज होगी। डबल पैटर्न सीरीज में भी आपके पास क्या है, दो तरह से काम करती है डबल पैटर्न सीरीज, या तो खुद के मल्टीपल्स के साथ में यूज होती है। खुद के मल्टीपल्स कैसे, 1 का स्क्वायर प्लस 1, 1 का क्यूब प्लस 1, या 2 का स्क्वायर प्लस 2, 3 का स्क्वायर प्लस 3, एंड सो ऑन, ऐसा कुछ होता हुआ दिखाई देता है, या फिर एक सीक्वेंस में रिपीटेशन होती है। सीक्वेंस में कैसे होती है आपके पास में, जैसे कि यहां आपको देखने को मिल रहा है 6 से 7, क्या हुआ, 6 से 7 एक डिजिट का इंक्रीमेंट हुआ। फिर आगे देखिए आपके पास 7 से 16, क्या हो रहा है, 7 और 16 में देखिए दोनों के बीच में नजदीकी रिश्ता किस चीज का है, एडिशन या मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन। लेकिन मल्टीप्लीकेशन कैसे, 7 multiply by 2 करे तो 7 2 14, 14 में क्या ऐड करें कि 16 आ जाए, 7 into 2 plus 2 क्या आ गया, 16। तो आपके पास पहले क्या रहा होगा, 6 into 1 plus 1, यानी कि सेम डिजिट से मल्टीप्लाई, सेम डिजिट से ही क्या है एडिशन किया जा रहा है अभी तक। आगे चेक करके देखिए क्या यही फॉलो हो रहा है। हम देख रहे हैं काफी सारे स्टूडेंट्स का आंसर भी आने लगा है, बहुत बढ़िया। चलिए फिर से एक बार चेक करते हैं, एक बार काफी हद तक स्टूडेंट्स आंसर कर रहे हैं, सही है या गलत वो आप एक बार चेक कर लीजिए, क्योंकि अभी आपके पास नेक्स्ट में क्या आना चाहिए, 16 में किसके पास में है, 16 threes क्या होता है, 48 होता है, और प्लस में 3 कर दे तो क्या हो जाता है आपका, 51 आ जाता है। यानी कि पैटर्न बिल्कुल समझ आ गया। नेक्स्ट वाले में क्या होगा, 51 into 4 plus 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास, 208 हो जाएगा, बहुत बढ़िया। तो यहां पर आपके पास 208 आ जाएगा, जो कि हम देखें तो बारिश सी लगा दी आप सबने, 208 208 208, बहुत बढ़िया। और नेक्स्ट सीक्वेंस में देखें तो 40 से क्या हो रहा है, डिवाइड बाय 2 कर दिया तो क्या आ गया, 20। फिर डिवाइड बाय 2 कर दिया तो कितना आ गया, 10। फिर से डिवाइड बाय 2 करे तो क्या आएगा आपके पास, क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो आंसर क्या बनेगा, 5 and 208 आपके पास क्या है, आंसर होगा। तो जिन जिन का 5 and 208, सभी का सही। एक बार अगर हम नजर लगाएं तो हमारे पास अभिषेक, अरविंद जी, मिस्टर सिन्हा, माही, बहुत बढ़िया, आप सभी का सही। तो चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगेन सीरीज है, लेकिन हमने क्या कहा था, 3 तरह की सीरीज पूछता है एग्जामिनर आपसे। फाइंड द नेक्स्ट टर्म, अगला क्रम बताइए, इनमें से एक गलत है जो कि यहां दिख रहा है, गलत वाला टर्म बताइए, और एक क्या होगा, फिल इन द ब्लैंक्स होगा। तो बस फटाफट से बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। एक गलत है, कौन सा गलत है, तुरंत देखते ही पता लग जाएगा। लेट्स सी सबसे पहले आंसर कौन करता है, बच्चा फटाफट से स्पीड कीजिए। रश्मि जी कह रही है, जी मैम मैं सबसे पहले आंसर करने वाली हूं, बहुत बड़ी बढ़िया रश्मि जी, देखते हैं सबसे पहले कौन करता है। ओके, वीर जी भी कह रहे हैं, ओके जितेंद्र जी, एमडी शकील जी, ओके चंद्रानी जी, ओके ओके बहुत बढ़िया। लेट्स सी सबसे पहले,
बहुत अच्छे आंसर आने लगे हैं, आंसर आने लगा है हमारे पास। हमेशा ध्यान रखिए, रॉन्ग वन आउट में कभी भी क्या होगा कैलकुलेट करके सही वो नहीं पूछा जाता। कहता है इन सब में से बताइए गलत कौन सा है, इन सब में सीक्वेंस को देखें तो सीक्वेंस क्या है आपके पास में। सीक्वेंस अगर हम देखें तो 6 से 15 कैसे नजदीक पड़ रहा है, 6 के या तो 3 जा 18 हो सकता है आपके पास में, या फिर आपके पास 6 2 जा 12, इन दोनों से क्या है 15 पास आ सकता है। यहां पर -3 कर दें तो क्या आ जाएगा 15, यहां पर +3 कर दें तो क्या आ जाएगा 15। अब चेक कीजिए क्या यही पैटर्न आगे फॉलो हो रहा है, तो चेक करते हैं हमारे पास में 15 से 33 कैसे आ सकता है, 15 के डबल के नियर है क्या, 15 के 3 के नियर है। अगर 15 3 जा करें तो कितना आता है 45, 45 में से अगर हम -3 करें तो हमें 35 नहीं मिलता, यानी कि हमारे पास ये वाला करेक्शन जो है गलत हो गया, ये वाला सीरीज काम नहीं कर रहा, ये वाला सीरीज काम करता हुआ लग रहा है। तो बस इसको अप्लाई करें, हिट एंड ट्रायल होगा जो कि एग्जाम में आपको बहुत स्पीडली अप्लाई करना होगा आइडेंटिफाई करने के लिए। तो बस हमारे पास क्या हो गया 6 × 2 + 3, 15 × 2 + 3 आपकी हर बार क्या है × 2 + 3 करना था, तो यहां पर +3 नहीं हुआ, +3 करते तो क्या होता 69। बात यही खत्म नहीं होती, आगे चेक कीजिए, अगर यहां पर 69 हो जाता, 69 का अगर हम डबल कर देते और फिर +3 करते तो क्या हमारे पास 141 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, बहुत बढ़िया हर्ष जी, उज्जवल जी बहुत अच्छे, बिल्कुल कैलकुलेट करके बताया है। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा 66 क्या है आपका रॉन्ग वन आउट हो जाएगा, तो आंसर क्या होगा आपके पास में यहां पर 66 इज अ राइट आंसर होगा। जिस जिसका अभी तक नहीं हुआ है एक बार चेक कर लीजिए अपने आंसर को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आप सबका बहुत ही फेवरेट पोर्शन जिसमें एग्जामिनर आपके पास क्वेश्चन देता है और स्टूडेंट्स कहते हैं मैम घबरा जाते हैं ऐसे क्वेश्चन को देखते ही, मन करता है कि स्कीप कर दे, लेकिन स्कीप नहीं करना, आपको इस टाइप के क्वेश्चन मैंडेट है करके आने हैं, बस शर्त इतनी है इसके सीक्वेंस को ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्वेशन में क्या चेक करें, रिपीटेशन को चेक कीजिए, दो ही अल्फाबेट से जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, बहुत बढ़िया, हमारे पास एकदम दौड़ सी लग गई आंसर करने की, यस मैम आई एम गोइंग टू आंसर द फर्स्ट, बहुत बढ़िया। हमारे पास नेहा जी, शालिनी जी, मृत्युंजय जी, रंजीत जी, गुलशन, माही, बहुत बढ़िया बच्चे स्पीडली आंसर करने पे लग गए हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। रिपीटेशन देखिए, दो ही अल्फाबेट्स हैं ए एंड बी, एक बार देखने को मिल रहा है, फिर डबल टाइम बी देखने को मिल रहा है, फिर आपके पास ट्रिपल टाइम बी देखने को मिल रहा है, कहीं आपके पास बार बार अल्फाबेट्स का एडिशन तो नहीं हो रहा, यानी कि आपके पास पहले एक बार ए, फिर दो बार, फिर तीन बार, कहीं कुछ ऐसा तो नहीं हो रहा, फटाफट से चेक करके बताइए, बहुत बढ़िया हमारे पास में आंसर्स आने लगे हैं, बहुत अच्छे। तो ज्यादा समय नहीं लेते हुए आपको आंसर बता देते हैं, ए बी सिंगल टाइम मिला आपको। अब नेक्स्ट में देखिए तो दो बार बी है तो दो बार ए, दो बार ए, दो बार बी। अब इसी के तुरंत नेक्स्ट में देखिए आपको क्या मिल रहा है, 3 times A मिल रहा है, 3 times A मिल रहा है तो क्या आना चाहिए 3 times B भी आना चाहिए। अगर ये पेयर यहां पर बनता है तो आगे क्या आना चाहिए 4 times A आना चाहिए, बिल्कुल पेयर बन रहा है। तो सीक्वेंस क्या रहा आपके पास में, ए ए बी डबल ए जो होगा वो सही आंसर होगा। फटाफट से चेक कर लीजिए अपने अपने क्वेश्चंस को, बहुत बढ़िया। तो जिन जिन का ये वाला सीक्वेंस है बिल्कुल सही है, आपके पास ये सीक्वेंस के रिगार्ड में आंसर हमेशा सही रहेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं इसमें से। अगर हम बात करें दिल्ली पब्लिक सर्विसेज की तो हमारे पास में इसी के अकॉर्डिंग 25 में से अकेले एनालॉजी चैप्टर में से एग्जामिनर ने 10 क्वेश्चन पूछे थे आपके पास में, 25 में से 10 क्वेश्चन अकेले इस चैप्टर में से थे आपके पास एनालॉजी एंड क्लासिफिकेशन में से। सेम एज इट इज सीएचएसएल की बात करें तो आपके 25 क्वेश्चन में से 7 से 8 क्वेश्चन आपको इस अकेले चैप्टर से देखने को मिलते हैं। अब बात करें तो हमारे पास में इस चैप्टर के क्वेश्चंस होते कैसे हैं, क्योंकि ये तमाम
स्काई इज द लिमिट वाली बात है, एग्जामिनर कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। बिल्कुल सही, एग्जामिनर कहीं से भी कोई क्वेश्चन पूछ सकता है। लेकिन आपको एक बात बता दे, ये आपकी जनरल नॉलेज पे डिपेंड करता है और जीके वो वाला पोर्शन है जो आपने क्लास फिफ्थ से लेकर क्लास टेंथ तक पढ़ा है। तो इसका क्या करना है, रिवीजन करना है जस्ट आपको। तो हम आपको डेली टारगेट देंगे, उसी के अकॉर्डिंग आप क्या उसको रिवाइज भी करेंगे। आज अभी आपके पास इसको ध्यान से देखें तो क्या हो सकता है आपके पास में, ये सब क्या है, ये एक आपके पास क्या है, एक राज्य पशु है। सेम इसी के अकॉर्डिंग आपके पास ये क्या है, एक राज्य पक्षी है। तो फिर से चेक कीजिए, ऐसा कौन सा राज्य है जिसका राज्य पशु तो हाथी हो लेकिन राज्य पक्षी जो है इनमें से कोई एक होना चाहिए। तो फटाफट से चेक करके बताइए, हमारे पास राज्य पशु और पक्षी का कॉम्बिनेशन है आपके पास में। अब आपको पता है गुरैया चिड़िया क्या एलिफेंट के साथ कंबाइन करती है, उससे पहले पता होना चाहिए एलिफेंट यानी हाथी किस किस राज्य का राज्य पशु है। आपके पास कर्नाटक का है, केरला का है, और कहां का है आपके पास, झारखंड का है। अब झारखंड के अकॉर्डिंग तो यहां पर कॉम्बिनेशन आप देख चुके हैं, कोयल और हाथी, राज्य पशु कोयल झारखंड का और राज्य पक्षी कोयल झारखंड की, ये तो कवर हो गया। तो ये तो आपके पास हट गया, कौन से दो राज्य बचे जिनका हाथी है राज्य पशु, केरला और आपके पास में कर्नाटक। अब उसमें से देखिए किसका राज्य पक्षी आपको मिल रहा है, तो आपके पास में कर्नाटक का राज्य पक्षी क्या है, नीलकंठ है। नीलकंठ इंडियन रोलर इज अ नेशनल बर्ड या फिर हम कहेंगे स्टेट बर्ड ऑफ कर्नाटक। तो हमारे पास सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा। अब काफी सारे स्टूडेंट्स बोल रहे होंगे मैम नीलकंठ कौन सा पक्षी है, नीलकंठ ये वाला पक्षी है जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, जिसका गला जो है थोड़ा सा नीला होता है, ये वहां का राज्य पक्षी है। अब बात आती है मैम पिक्चर क्यों दिखाई, क्योंकि क्या है कुछ चीजें अगर आप देखते हैं तो ज्यादा लंबे समय तक याद रहती हैं। इन चीजों को क्या है आप किसी ना किसी चीज से एड ऑन कीजिए, क्योंकि ये पक्षी कभी ना कभी आपको अपने आसपास भी मौसम के अकॉर्डिंग आता हुआ दिखाई देता है, कभी आपकी छत पर बैठा हुआ आपको दिखाई देगा। तो याद रहेगा कि ये अगर नीलकंठ यहां बैठा है तो ये किस राज्य का है, कर्नाटक का है, जिसका राज्य पशु कौन है, हाथी है। ऐसी चीजों को क्या है रिलेट करते हुए याद करेंगे तो ज्यादा देर तक लंबे समय तक याद रहेंगी और जल्दी याद रहेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में हम नेक्स्ट अगर हम देखें तो क्या दिख रहा है आपको, फलों के नाम, वृक्षों के नाम या फूलों के नाम, इनमें से ध्यान दीजिएगा। आपको हिंट दे दिया है हमने, फलों के नाम हो सकते हैं, फूलों के नाम हो सकते हैं या फिर वृक्षों के नाम हो सकते हैं। इन कॉम्बिनेशंस पे फोकस कीजिएगा, क्योंकि मैंगल, मैंगो, पलाश, साल, ये सब क्या है, फूल और पेड़ है। अब आपको डिसाइड करना है कौन सा फूल है, कौन सा वृक्ष है, कौन सा फल है। इन सब का अगर सीक्वेंस आपको याद है तो तुरंत आंसर आ जाएगा। और अगर हम ध्यान से देखें तो ये हमारे नॉर्मल डे टू डे लाइफ में आप जब घर में पापा के साथ, नाना के साथ या दादाजी के साथ बैठते हैं तो नॉर्मल बातचीत होती है या टहलते हुए जाते हैं, ये किसका पेड़ है, ये बेटा आम का पेड़ है, ये किसका पेड़ है, ये साल का पेड़ है, ये किसका फूल दिख रहा है, ये पलाश का फूल दिख रहा है, ऐसे आपको आपके बड़े जानकारी देते रहते हैं। हाँ के ना, देते हैं ना। तो बस उसी जानकारी के अकॉर्डिंग आपसे एग्जामिनर भी क्वेश्चन पूछता है। तो फटाफट से बताइए आंसर क्या होगा। ओके, हम देखें तो हमारे पास आंसर कुछ स्टूडेंट्स का सी आ रहा है, कुछ का ए आ रहा है। रंजीत जी कह रहे हैं सी, अर्पित सिंह जी कह रहे हैं सी, ओके अगेन रंजीत जी कह रहे हैं ए, ओके रंजीत श्रीवास्तव जी ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं, रवि जी सी बोल रहे हैं। ए और सी की अगर हम बात करें तो हमारे पास लोटस एंड पीपल, ये दो आंसर आ रहे हैं। अब अगर हम आपको सही तरह से अगर देखें तो हमें जहां तक पता लग रहा है आपके ऑप्शंस को देखते हुए आप तुक्का मार रहे हैं, आप गेस पावर का यूज कर रहे हैं। एग्जाम में भी आप यही काम करते हैं, एग्जाम में जब क्वेश्चन नहीं आता तो हम क्या करते हैं, हमारे सारे सैटेलाइट्स का यूज करते हुए हमारे साम दाम दंड भेद से तुक्का एक्सपेरिमेंटल निकालते हैं और अपना गेस करना स्टार्ट करते हैं। लेकिन आपको ये गेस नहीं करना, याद रखनी है चीजें, छोटी छोटी चीजें हैं, बड़े आराम से याद रख सकते हैं। जैसे कि साल एक आपके पास पेड़ है, पलाश क्या है, फूल है, तो इसके अंदर रिलेशनशिप क्या रहा, फल का नहीं रहा,
फूल का और वृक्ष का है। पहले आपको वृक्ष दिया गया है, फिर आपको फूल दिया गया है। अब मैंगो का क्या होता है? फूल तो होता नहीं आम का। आम का क्या होता है? पेड़ होता है। आम के पेड़ के साथ अगर हम देखें तो यहां पर अगर वृक्ष है तो दूसरा यहां पर क्या होगा? फूल होगा। अब फूल के अकॉर्डिंग लोटस, जेमिनी, ये सब फूल होते हैं, लेकिन पीपल तो होता ही नहीं। तो जिनका आंसर सी था वो सब क्या हो गए? हट गए, उन सब का ऑप्शन हट गया। अब बचता क्या है ए, बी और डी में से? लोटस किसका आपके पास राष्ट्रीय फूल है या राज्य फूल है वो आपको देखना है। जेमिनी किसी का नहीं। आपके पास यहां पर आता है महाराष्ट्र को, अगर आप ध्यान से रखें महाराष्ट्र का राष्ट्रीय वृक्ष है, महाराष्ट्र का राज्य वृक्ष है। कौन सा राज्य वृक्ष है? मैंगो। आम का पेड़ महाराष्ट्र का राज्य वृक्ष है, प्लस में जारूल जो की है वहां का राज्य फल है और फूल भी है। तो इसी के अकॉर्डिंग आपके पास जो फूल की बात करें तो राज्य फूल है, ये राज्य वृक्ष भी है और राज्य फूल भी है। किसका है? महाराष्ट्र का है। बिल्कुल सही। ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी आपकी जी के बेस पर। अब यहां से आपको दो बातें हिंट में मिलती हैं। कौन सी दो बातें? अब आपको राष्ट्रीय पक्षी, राष्ट्रीय पशु, प्लस में राज्य के फल, राज्य के वृक्ष, राज्य की राजधानियां, ये आपको याद रखनी है। आने वाली कुछ क्लासेस में हम फिर से राज्य संबंधित जानकारी के विषय में आपसे चर्चा करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम देखें तो एक बार पहले हम आपको दिखा दें, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे मैम ये कौन सा फूल है। ये जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ये जेरूल है आपके पास में, जो आंसर आएगा। अब आप देख रहे होंगे कि ये तो आपके पास नॉर्मल पार्क में या फिर जंगली झाड़ियों में भी देखने को मिल जाता है, तो ये वाला जो फूल है ये इसका सही आंसर था। तो चलिए नेक्स्ट आपके पास आता है इमेजेस, क्योंकि हमने क्या कहा था मिक्स सेशन है। आपके पास एसएससी किस किस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है वो सारे के सारे पैटर्न्स हम आपके पास यहां पर लेकर आए हैं। तो बस फटाफट से बताइए मिरर इमेज के अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या होगा, सही पैटर्न में बताइएगा फटाफट से। फिर आपको एक छोटी सी ट्रिक बताएंगे, इमेज का कोई भी क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे पूछ ले यूं चुटकी में करते जाएंगे तुरंत आंसर। अब इस चीज को क्वेश्चन का आंसर तो आप करेंगे, एक बात बता रहे हैं छोटी सी ध्यान से सुनिएगा। हमारे पास इमेज, जब हम कहते हैं इमेज यानी कि प्रतिबिंब, प्रतिबिंब क्या होता है? बिल्कुल सामने से दिखाई देता है। आप सब मिरर देखते हैं, शीशा देखते हैं। शीशा क्या करता है? शीशा आपके पास आपका लंबाई में डिवाइड करता है, वर्टिकली डिवाइडेशन करता है, इस बात का ध्यान रखिए। हमेशा मिरर आपके पास दो कैटेगरी में रहेगी, मिरर इमेज रहेगी और वाटर इमेज रहेगी। पूरा टॉपिक करवाएंगे आपको, अभी सिर्फ एक झटपट सा रिवीजन दे रहे हैं, क्योंकि काफी हद तक आपको प्रैक्टिस करनी है, स्पीड टेस्ट लगाने हैं, और स्पीड टेस्ट के लिए आपको सारे टॉपिक्स का रिवीजन होना चाहिए। एक छोटा सा आपको रिवीजन दे रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, बड़े काम की बात है, छोटी सी बात है, अगर ये समझ ली तो दो क्वेश्चन आपके पास रीजनिंग के बिल्कुल पक्के और देखते ही आंसर कर पाएंगे, आई एंश्योर यू। वाटर इमेज एंड मिरर इमेज दो तरह के क्वेश्चन हैं जो एग्जामिनर आपसे पेपर में पूछता है। अब यहां पर देखिए, जब भी मिरर इमेज की बात आएगी तो आपके पास डिवाइडेशन होता है वर्टिकल फॉर्म में, वर्टिकल यानी के लंबाई में आपके पास डिवाइडेशन होता है। अब लंबाई में डिवाइडेशन होता है तो मानकर चलो हमारे पास में, हम यहां पर ये एक इस टाइप से कोई फिगर बना दें। अब यहां पर हमने क्या किया, एक लाइन लगा दी। अब एक बात देखो, हमने इस लाइन में क्या है, यहां पर ये एक एरो भी लगा दिया। अब इसका प्रतिबिंब जब बनेगा तो ये वाला जो कोना है ना इस लाइन के पास, ये वाला कोना तुरंत क्या है, यहां पर पास दिखना चाहिए। तो ये वाला कोना पास आ जाए तो ये लाइन ऐसे दिखाई देगी आपको। अब ये वाला तीर का निशान क्या है, इस लाइन के पास है, तो ये वाला तीर का निशान भी क्या है, इस लाइन के पास आना चाहिए। फिर कहता है ये वाला लाइन क्या है, इस लाइन से थोड़ा दूर है, तो यहां पर हम एक सर्कल लगा लेते हैं। तीर का निशान तो क्या है, पास आना चाहिए, और ये बिंदु क्या है, थोड़ा दूर आना चाहिए। बस इस बात का आपने ध्यान रखना है। अब यहां से देखिए आपके पास ये क्या हो गया, इसका मिरर इमेज बन गया। देर लगी, आपने क्या फोकस किया, ये जो बिंदु लाइन के पास है ये बिंदु पास होना चाहिए, ये जो तीर का निशान है ये तीर का निशान क्या है लाइन के पास, और ये जो गोला है ये थोड़ा सा दूर है, तो ये यहां से भी क्या है, थोड़ा सा दूर होना चाहिए। बस इस बात का ध्यान रखा, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब यही काम आपको क्या है, क्लॉक में करना पड़ जाए। 7:20 का समय दिया है, 7:20 सबसे पहले क्या करो, बना लीजिए
4, 5, 6 and 7 और ये आपके पास 8। 7:20 का मतलब क्या होगा, घंटे की सुई यहां पर होगी और मिनट की सुई आपके पास यहां पर होगी। अब यहां से लाइन लगाएंगे तो आपके पास में कन्वर्ट हो जाएंगी, घंटे की सुई मिनट की जगह, मिनट की सुई घंटे की जगह हो जाएगी। हाँ के ना, तो बस कन्वर्जन कीजिए। एक तरीका तो है ये, दूसरा तरीका छोटा सा बता रहे, इसको लिख लीजिएगा अपनी कॉपी पे, पेपर में बड़ा काम आएगा। अगर मिरर इमेज आ जाए तो आपने कुछ नहीं करना, 11:60 ध्यान रखना है, पूरा 12 घंटे का सर्कल होता है, एक घड़ी का पूरा चक्कर कितना होता है, 12 घंटे का। हाँ के ना, तो बस आप 12 घंटे की बात कहें या 11:11:60 कह दे, दोनों का मतलब क्या है, 12 घंटे ही तो है। तो बस वही काम यहां करना है, 11:60 किसके लिए, मिरर इमेज के लिए। आपके पास में इसमें से क्या है, माइनस कर दीजिए 7:20 को। जैसे ही माइनस करेंगे तो आपके पास क्या समय आ रहा है, यहां से 40 और यहां से 4, 4:40 दिखाएगा। तो यहां भी तो देखिए आपके पास में 7, 6 के क्या है, तुरंत नेक्स्ट वाले से थोड़ा सा आगे, तो 6 के बिल्कुल तुरंत वाले से थोड़ा सा आगे कौन सा टाइम आ जाएगा, 4:00। यहां पर क्या होगा, आपके पास घंटे वाली सुई आ जाएगी नेक्स्ट वाले फॉर्म में। अब यहां पर घंटे वाली सुई आ जाएगी तो यहां पर आपके पास मिनट वाली सुई आ जाएगी, समय क्या हो जाएगा आपके पास, 4:40 यहां पर हो जाएगा। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती है, बात के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो क्वेश्चन और कैसे कैसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उसको देखिए। एग्जामिनर 12 घंटे की अगर घड़ी दे दे तो यहां पर बात है सही, लेकिन एग्जामिनर अब कुछ आपके सामने ट्रिकी काम करता है, कहता है घड़ी है 24 घंटे की, 24 घंटे यानी कि जैसे ही घड़ी में 12 बजे के बाद 1 बजता है, आप इसको 1 भी कह सकते हैं, 13 भी कह सकते हैं, सेम एज इट इज। 2 बजे को 14 आवर्स, 3 बजे को आप क्या है 15 घंटे कहते हैं ना। तो बस अगर आपसे एग्जामिनर कह दे बताइए आपके पास में यहां पर 19:20 पर क्या समय होगा, तो आपने 11 बजे की जगह क्या कर देना है, 23:60। अब देखो फिर से 12 घंटे कह दो या 24 घंटे, बात तो एक ही है ना, हाँ के ना, यही तो मतलब हुआ। तो बस आपके पास में 12 घंटे हो या फिर 24 घंटे, दोनों टारगेट्स को ध्यान रखिए। इसमें से आपके पास में 19:20 अगर एग्जामिनर माइनस कर देता है तो बताइए टाइमिंग क्या आएगा, कैलकुलेट करके फटाफट से आंसर बताइए क्या होगा। वेरी गुड हर्ष धवन जी, बहुत बढ़िया। प्रिया जी बहुत अके। ओके सरिता जी कह रही है मैम थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए। सरिता जी कंफ्यूज नहीं होना बच्चा, मिरर इमेज कराया है अभी, सिर्फ मिरर इमेज में अगर आपके पास घड़ी से संबंधित क्वेश्चन आ जाए तो छोटी सी बात ध्यान रखनी है। क्या बात ध्यान रखनी है, मिरर इमेज अगर आपके पास है 12 घंटे की सुई है तो आपको 11:60 ध्यान रखना है, एक समय सेम एज इट इज। आपके पास में आपको क्या ध्यान रखना है, 23:60, बस इतना सा ध्यान रखना है, ये दो आपके पास सीक्वेंस रहेंगे। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया, हाँ के ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिए फटाफट से। वाटर इमेज आ गया, वाटर इमेज का मतलब क्या है, हॉरिजेंटल फॉर्म में आपके पास होता है। हॉरिजेंटल फॉर्म की अगर हम बात करें तो हमारे पास में वाटर इमेज होता है, तो हमारे पास हम लाइन के अकॉर्डिंग अगर यहां पर एक ट्राइंगल बना दें तो वाटर इमेज में इस लाइन के पास क्या दिख रहा है, सबसे पहले एक हॉरिजेंटल लाइन दिख रही है, फिर क्या दिख रहा है, ये दो लाइंस हमें ऊपर जाती हुई दिख रही है, तो ये दो लाइंस हमें नीचे लाती हुई दिखेंगी, तो क्या हो गया ट्रायंगल का क्या हो गया, उल्टा ट्रायंगल बन गया। हॉरिजेंटल में क्या होता है, एक सीधे से क्या है रिवर्स हो जाता है, तुरंत रिवर्स हो जाएगा। तो बस उसी के अकॉर्डिंग आपको यहां पे अक्षरों के अंदर क्या है टॉप एंड बॉटम में चेंज करना है, जेड का टॉप टू बॉटम, यहां पर आपको टॉप टू बॉटम में परिवर्तन करना है। मिरर इमेज में हम लेफ्ट टू राइट में कर रहे थे और हमारे पास यहां पर क्या करना है टॉप टू बॉटम में। फटाफट से आंसर बताइए क्या होगा, लेट्स सी स्पीडली, फटाफट से स्पीड को मेंटेन करिए।
हमारे बहुत सारे स्टूडेंट सही आंसर करने लगे हैं, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। सही आंसर्स को आइडेंटिफाई करते रहिए। हमारे पास आपको एक थोड़ी सी जानकारी दे दें, हमारे पास में वीडियो गुरु SBI PO के पेपर के अकॉर्डिंग महेंद्रा गुरु ने हमारे सभी स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत अच्छा ऑफर निकाला है और पैकेज के साथ में SBI PO को ध्यान में कंसीडर करते हुए SBI PO के वीडियो गुरु की क्लासेस अवेलेबल हो चुकी हैं महेंद्रा गुरु के ऊपर। सो मेक श्योर महेंद्रा गुरु के myshop.mahendras.org पर जाकर SBI के वीडियो गुरु के पैकेज को आप परचेज कर सकते हैं। ऑफर लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए है, फॉर द डे, सिर्फ आज के लिए दिख रहा है, तो 1999 में आप परचेज कर सकते हैं। अगर आप प्री और मेंस दोनों के टेस्ट सीरीज परचेज करना चाहते हैं तो 499 में आप टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हैं, जिसमें आपको 50 टेस्ट मिलते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं हमें 20 टेस्ट परचेज करना है तो आप उसके लिए मेंस के लिए 399 में आप परचेज कर सकते हैं। आपको चाहते हैं नहीं हमें प्री के लिए सिर्फ टेस्ट चाहिए प्री के एग्जाम के लिए, तो प्री के ओनली प्री के 30 टेस्ट आपको अवेलेबल होंगे 299 में। आई अगेन रिपीट, प्री के ओनली प्री के आपको जो टेस्ट है 299 में अवेलेबल हो जाएंगे। सो मेक श्योर आपके पास में आप इस चीज को अवेल करते हुए आंसर्स को अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास तैयारी करने के साथ साथ अपने क्वेश्चंस बैंक भी जरूरी हैं। तो आपके पास महेंद्रा गुरु के वीडियो गुरु से आप क्लासेस ले सकते हैं, प्लस में वीडियो बॉक्स से जाकर आप क्या है आपके टेस्ट सीरीज को परचेज कर सकते हैं। सो मेक श्योर आप अपनी तैयारी को स्पीड अप कर दीजिए, क्योंकि वैकेंसीज का पिटारा खुल चुका है, 2019 में वैकेंसीज का पिटारा खुल चुका है। सो मेक श्योर अपनी तैयारी को स्पीड अप बूस्ट अप कर लीजिए, साथ साथ आंसर्स भी करते रहिए। हमारे पास हम देख रहे हैं काफी सारे स्टूडेंट्स अभी तक आंसर कर रहे हैं। छोटा सा सीक्वेंस आपको बताया है, उस सीक्वेंस को ध्यान में रखना है और फिर आंसर करना है।
तो चलिए हमारे पास में देखें, बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। फटाफट से बताइए क्वेश्चन के आंसर क्या होंगे। आपके पास स्क्रीन पर जो एक क्वेश्चन दिया था उस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। आपके पास में क्वेश्चन के आंसर को अगर हम देखें तो हमारे पास में क्वेश्चन के आंसर बताइए, यहां पर आपके पास में क्वेश्चन को हम देख रहे हैं तो हमारे पास में क्वेश्चन में क्या दिया जा रहा है, जेड आपको दिख रहा है। जेड का क्या होगा, हॉरिजेंटल रिवर्स करना है, लेफ्ट एंड राइट में कोई चेंज नहीं, ऊपर से नीचे। तो जेड का आपके पास इस टाइप से जेड बन जाएगा, तो की या की दिख रहा है। सबसे पहले जेड किस पे मिला, ए की ऑप्शन में, तो आंसर तुरंत क्या आ गया, ऑप्शन नंबर ए। बाकी चेक करने की आवश्यकता ही नहीं होती है इस टाइप के क्वेश्चंस में। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हमारे। अगेन मिरर इमेज आपके पास टाइमिंग में, अभी आपको शॉर्टकट बताया है, देखते हैं किस किस को याद हो गया है। अभी करवाया, तुरंत बताइए आंसर क्या होगा, तुरंत, लेट्स सी स्पीडली, फटाफट से, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं अभी आपके पास बाकी। स्पीड को मेंटेन कीजिए, 720 है, तुरंत क्या कीजिए, 23 आज एंड 60 से क्या है माइनस कर दीजिए, चाहे 1160 से, दोनों में से अगर एक याद करना चाहते हैं तो 23 घंटे 60 मिनट याद कर लीजिए, हर एक क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। फटाफट से कैलकुलेट करते हुए आंसर बताइए, टाइमिंग क्या होगा आपके पास। बहुत बढ़िया, हमारे पास दीपक सिंह निषाद जी का आंसर आ चुका है, बहुत अच्छे, एक बारिश सी लगा दिया अपने ऑप्शंस की, बहुत बढ़िया, ए ए ए बिल्कुल सही। जब कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 4:40, जो कि क्या है, ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए नेक्स्ट बताइए, 10:30 10:30 क्या होगा, फटाफट से स्पीड को मेंटेन कीजिए, फटाफट से, लेट्स सी सबसे पहले आंसर कौन करता है, हमारे कौन से स्टूडेंट्स हैं जो सबसे पहले सिलेक्शन लेने की लिस्ट में हैं, क्योंकि जिसको सबसे पहले सिलेक्शन चाहिए वो सबसे पहले आंसर करने के लिए स्पीड, बहुत बढ़िया। 720 आपके पास, उसका आंसर 440 था, बिल्कुल सही, जिनका 440 है, 4:40। अगेन मिरर इमेज ही पूछ रहे हैं आपसे, वाटर इमेज नहीं पूछ रहे, अभी की क्लास में सिर्फ मिरर इमेज को याद कर लीजिए और हमें फटाफट से बताइए, 11:60 में से अगर हम 10:30 को माइनस कर दें तो टाइम बता दीजिए, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, 1:30, 1:30, 1:30, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, यू गाइस आर सुपर। अरे 120 भी आ गया किसी का, बच्चा फटाफट से कैलकुलेशन को चेक कीजिए, 60 में से 30 जाएंगे, तुरंत क्या है 30 आएगा, तो 20 वाले ऑप्शंस तो तुरंत क्या हो गए, कैंसिल हो गए, तो आंसर क्या आएगा 30 वाले ऑप्शंस में से। अब जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना बचता है, 1 बचता है, तो 130 इज अ राइट आंसर होगा। सही आंसर क्या होगा, 1:30 होगा, 1:30 होगा 10:30 का मिरर इमेज। चलिए फिर नेक्स्ट बताइए, फटाफट से सही क्रम में लगाना है, आपके माइंड की प्रेजेंस है, कोई पेन का यूज नहीं करेगा, तुरंत हमें देखते आंसर बताइए। कहता है विश्व, कानपुर क्या है, भारत के एक राज्य का एक छोटा सा शहर का नाम, सेम एज इट इज, ये क्या है शहर का नाम है हमारे पास में, ये क्या है हमारा एक राज्य है, ये क्या है एक देश है, ये क्या है विश्व है, तो बस विश्व, एक विश्व में क्या होता है, देश होता है, और देश में क्या होता है, राज्य होता है, राज्य में क्या होता है, शहर होता है। अब यहां पर सीक्वेंस को देखें ध्यान से, तो हमें या तो क्या मिलना चाहिए, 1 मिलना चाहिए सबसे पहले विश्व, फिर क्या मिलना चाहिए, 4 देश, फिर क्या मिलना चाहिए, राज्य, फिर क्या मिलना चाहिए, शहर, 1 4 आपको कहीं मिल ही नहीं रहा, 1 4 जब नहीं मिल रहा तो ये तो सीक्वेंस नहीं हुआ कि बड़े से छोटा। तो क्या देखें, जब आपको बड़े से छोटा नहीं मिल रहा तो क्या चेक करें, छोटे से बड़े की तरफ चेक करना स्टार्ट कीजिए, कहीं ये तो सीक्वेंस नहीं है, फटाफट से, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, 1 4 3 2 नहीं है आपके पास में, आंसर ऑप्शन से करना है, छोटे से बड़ा देखना शुरू कीजिए, छोटा सबसे पहले क्या आना चाहिए, शहर, लेकिन ऑप्शन क्या है, 2, तो हमें क्या ढूंढना है, 2 को ढूंढना है, और 2 दिए गए ऑप्शन में सबसे पहले कहां है, बी में है, तुरंत आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर बी इज अ क्या होगा, राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही आंसर होगा इसका। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, सेम सीक्वेंस, तरीका बताया अभी, फटाफट से आंसर बताइए, डिक्शनरी फॉर्मेट में लगाना है, क्योंकि यहां पर ये सब क्या है, नाम है, वो सब क्या थे आपके पास, अलग अलग चीजें थी, उनको अरेंज करना था, यहां पर आपको नाम दिया गया है तो डिक्शनरी फॉर्मेट में, शहर दिए जा सकते हैं क्षेत्रफल के आधार पर, आपके पास में कोई फल दिए जा सकते हैं साइज छोटे बड़े के आधार पर,
वृक्ष दिए जा सकते हैं, आपके पास गाड़ियों के नाम दिए जा सकते हैं, कोई भी आपके पास एग्जामिनर सीक्वेंस यूज कर ले। याद रखिए उस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग आपको अरेंज करना है। स्पीड मेंटेन कीजिए बेटा फटाफट से, हमारे अधिकारी हैं आप और अधिकारियों को क्या है स्पीड मेंटेन करना पहला काम है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। 4231 अगर हम देखें तो हमारे पास रोशन कुमार जी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, पहली क्लास है रोशन कुमार जी शायद आपकी, बहुत बढ़िया, सबसे पहले आंसर कर रहे हैं, बहुत अच्छे, पहली क्लास में ही प्रॉपर बैटिंग की फॉर्म में, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। अजय कुमार जी भी आंसर कर रहे हैं बी बी बी। तो चलिए हमारे पास में देखते हैं सीक्वेंस क्या होगा। सबसे पहले आपको आर ए रश्मि 4 दिखाई देगा, फिर क्या दिखाई देगा आर ई और डबल ई, आर ई के, तो आर डबल ई यानी कि ऑप्शन नंबर 2 फिर 3 फिर 1, तो क्या बन गया सीक्वेंस 4 2 3 1। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा। जिन जिन का ऑप्शन नंबर बी है मेक श्योर आपका आंसर सही है, किसी का गलत आ रहा है तो चेक कर लीजिए। इसी सीक्वेंस में हमें फटाफट से एक और क्वेश्चन बताइए, फटाफट से, डू इट फास्ट। अब स्पीड स्पीड, कोई पेन का यूज नहीं कीजिए, सिर्फ आंखों से क्वेश्चन को देखिए और तुरंत ऑप्शन करते हुए टाइप कर दीजिए ऑप्शन कमेंट बॉक्स में, फटाफट से कमेंट बॉक्स को स्पीडली स्पीडली कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स को लिखिए तुरंत आंसर। हट झोपड़ी घर पैलेस मेंशन, तुरंत समझ आ रहा है आपके पास में, बहुत बढ़िया। अगर हम देखें यहां पर हमारे पास में वर्षा जी आंसर कर रही हैं, ओके, वंश जी भी आंसर कर रहे हैं, योगेंद्र जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया बच्चे, पहले आंसर कीजिए फटाफट से, ओके, प्रिंस कुमार जी की भी पहली क्लास है, प्रिंस जी फटाफट से आंसर कीजिए, आपके तो नाम में ही प्रिंस है, तो फटाफट से बताइए पैलेस एंड मेंशन, क्योंकि कंफ्यूजन सिर्फ पैलेस और मेंशन में है। और हम ध्यान से देखें तो 1 और 2 आपको क्लियर हो गया है, तो आपके सेकंड और फोर्थ ऑप्शन सबका कैंसिल हो गया होगा, हमें पता है। फर्स्ट एंड थर्ड में से बताइए क्या होगा, क्योंकि पैलेस और मेंशन में से देखें तो जो सीक्वेंस दिया गया है ये बिल्कुल सही सीक्वेंस है, तो आंसर क्या होगा 1 2 3 4। एग्जाम में कभी कभी क्या है इसी बात से घबराहट हो जाती है कि ये सीक्वेंस ऐसे तो नहीं मिलेगा, तो क्या कर देते हैं 4 और 3 कर देते हैं। हमेशा कभी जरूरी नहीं है कि इसका रिवर्स नहीं मिले, रिवर्स भी मिल सकता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, हमारे क्यूब के क्वेश्चंस आपको बताया था, बस देखना है और चुटकी में आंसर करना है, मेजरमेंट्स पे ध्यान रखना है। 64 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर, अगर एक बड़े 64 सेंटीमीटर के क्यूब में से छोटे छोटे 8-8 सेंटीमीटर के क्यूब निकाल लिए जाएं तो बताइए आपके पास में टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स कितने होंगे। स्मॉलर क्यूब की संख्या कैसे निकाल सकते थे, n का क्यूब करते थे, n कैसे निकालते थे, बड़े क्यूब की जो साइड है उसको छोटे क्यूब की साइड से भाग कर कर। हमारे पास बड़ा क्यूब का मेजरमेंट कितना है 64 है, कितना है 64 है, सेम एज इट इज। छोटे वाले का मेजरमेंट कितना है 8 है, 64 और 8 को जब भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा n आ जाएगा आपके पास में 8, और 8 का क्यूब कितना होता है आपके पास में आपको पता है, 8 का क्यूब कितना होता है 512 होता है। संदीप कुमार जी एक बार छोटी सी कैलकुलेशन मिस्टेक, एक नंबर की हानि हो जाती है आपके पास में, प्लस में 0.25 सही क्वेश्चन से चला जाता है, इसलिए ध्यान रखिए कंपटीशन एग्जाम में आंसर में छोटी छोटी कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हो, तुरंत आंसर आना चाहिए। फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, क्यूब लास्ट क्लास में ही किया है हमने, फटाफट से बताइए, यानी कि लास्ट सेकंड क्लास में हमने किया है, फटाफट से स्पीडली फटाफट से, देखते ही आंसर आना चाहिए, देखते ही आंसर आना चाहिए। 125 छोटे छोटे क्यूब हैं, इसका मतलब क्या है n क्यूब जो है 125 है, तो n कितना होगा 125 का क्यूब रूट ले लीजिए, जब इसका क्यूब रूट लेंगे तो n कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, n 5 आ गया, पूछा क्या आ गया है हाउ मेनी क्यूब्स डज हैव वन फेस कलर्ड, एक रंग से पुताई, क्या था फॉर्मूला n माइनस 2 का स्क्वायर इनटू सरफेस, सरफेस कितनी होती है 6 होती है, फिर से लिख देते हैं n माइनस 2 का स्क्वायर इनटू सरफेस, पुट कीजिए और आंसर बताइए फटाफट से, वेरी गुड, पवन जी का आंसर आ चुका है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, परवीन जी वीर जी बहुत बढ़िया, वीर जी एक बार चेक कर लीजिए अपने आंसर को 45 होगा या 54, लास्ट क्लास में भी ये मिस्टेक काफी सारे स्टूडेंट्स ने की थी, एग्जाम में भी यही सेम मिस्टेक होती है, स्पीडली फटाफट से बताइए आंसर क्या होगा
बहुत अच्छे। यहां पर आपके पास में 5-2 करेंगे तो कितना आएगा 3, 3 का स्क्वायर इंटू 6 करेंगे, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 9 इंटू 6 कितना होता है कैलकुलेट करें तो आ जाता है 54। तो जिन जिन का 54 है उन सभी का आंसर क्या है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 2 इज योर राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्यूब का क्वेश्चन है, फिर से तुरंत बताइए। कहता है 25 सेंटीमीटर के एक बड़े क्यूब से 5-5 सेंटीमीटर के छोटे क्यूब काट लिए जाएं तो बताइए ऐसे कितने क्यूब होंगे जिनकी 4 सतह पर रंग दिखाई दे। हमें तो इस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता, आप बताएंगे फटाफट से। लेट्स सी सबसे पहले आंसर कौन करता है, तुरंत आंसर चाहिए, स्पीड मेंटेन कीजिए क्वेश्चन के आंसर्स के लिए, स्पीडली स्पीडली स्पीड को मेंटेन करके रखिए। आपके पास 4 सतह बिना देखे बताया था आंख बंद करके, 3 सतह पूछ ले 4 सतह पूछ ले फिक्स होता है, 3 सतह 8 और 4 सतह कभी नहीं दिखता, तो आंसर कितना होगा 0। ये दो क्या हैं, फिक्स हैं आपके पास में, फेस पेंटेड। अगर आपसे पूछ लेता है एग्जामिनर 3 फेस पेंटेड तो हमेशा कितने होंगे 8 होंगे, 4 फेस पेंटेड हमेशा कितने होंगे 0 होंगे, याद रख लीजिए, लिख लीजिए अपनी कॉपी पे, एक दो बार रिवाइज करेंगे तुरंत याद रह जाएगा आपके पास में, ऑप्शन नंबर 4 इज अ राइट आंसर होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है 36 सेंटीमीटर के एक बड़े क्यूब से 4-4 सेंटीमीटर के छोटे छोटे क्यूब अगर डिवाइड कर लिए जाए तो अब बताइए, यहां से सबसे पहले तो एन निकाल लीजिए, एन कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। कहता है अब बताइए ऐसे कितने क्यूब हैं विल हैव 2 फेस पेंटेड, 2 सतह रंग हो, हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, अपनी कॉपी से ढूंढिए लास्ट क्लास में फॉर्मूला क्या लिखवाया था और बताइए क्या होगा फॉर्मूला। आपके पास फॉर्मूला क्या बनता है, एन माइनस 2 इंटू एजिस, एजिस 9 कितना है आपके पास में हेयर और 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9-2 7, 7 को 12 से जब मल्टीप्लाई करेंगे 12 सत कितना होता है 84 होता है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा इसी के अकॉर्डिंग 84 इज योर राइट आंसर, में सीक्वेंस बन जाएगा, 2 फेस पेंटेड पूछा गया है। तो चलिए फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्यूब का सेम, कहता है हाउ मेनी क्यूब्स विल हैव नो फेस पेंटेड। कहता है 64 सेंटीमीटर के बड़े क्यूब से 8-8 सेंटीमीटर के क्यूब निकाले जाएं तो बताइए ऐसे कितने क्यूब हैं जिनकी सतह पर कोई रंग नहीं है, जिनकी सतह पर कोई रंग ना हो। लेट्स सी सबसे पहले आंसर कौन करता है, बिल्कुल सही लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर 84 बिल्कुल सही। अब बताइए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, नो फेस पेंटेड, कोई भी रंग नहीं दिखाई दे, कोई भी सतह रंगीन दिखाई ना दे, नो फेस पेंटेड। नो फेस पेंटेड की बात करें तो क्या था फॉर्मूला, एन माइनस 2 का क्यूब करना है, एन कितना आएगा यहां से 8, 8-2 का मतलब कितना हो गया 6, 6 का क्यूब कितना होता है फटाफट से कैलकुलेट करके बताइए। बहुत बढ़िया सुशील जी का बिल्कुल सही आंसर आ चुका है, बहुत बढ़िया सुशील जी का बिल्कुल सही आंसर, बहुत अच्छे बहुत बढ़िया। यहां पर दीपक सिंह जी, आयन जी, रवि जी बहुत अच्छे बहुत बढ़िया, आप सबका आंसर बिल्कुल सही। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है आपके पास में 216 सेंटीमीटर के बड़े क्यूब से 36 सेंटीमीटर के क्यूब निकाल लिए जाएं तो ऐसे कितने क्यूब होंगे जिनके ऊपर क्या है कोई भी रंग नहीं होगा। अब यहां पर मेजरमेंट देखिए कितना आएगा 6 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 6, एन जब आपके पास 6 है तो फॉर्मूला भी आपको बताया था एन माइनस 2 का क्यूब कराना है, 6-2 कितना हो जाएगा 4, 4 का क्यूब फटाफट से आंसर बताइए, घबराना नहीं है, अगर बड़ी वैल्यू भी आ जाए कोई बात नहीं, सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए। लेट्स सी सबसे पहले आंसर कौन करता है, स्पीड 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 फटाफट से स्पीड बनाइए, स्पीड को मेंटेन रखिए, स्पीड नहीं टूटनी चाहिए। एग्जाम में आपके पास पूरा 1 घंटा होता है, सिटिंग की आदत डालिए, बैठने की आदत डालिए, बहुत बढ़िया आपके पास तुरंत आंसर आ गया 216, नहीं
आपके पास 4 आएगा, 4 का क्यूब आपके पास 64 होता है, सही आंसर होगा 64। अगर हम देखें तो ममता जी, पल्लवी जी, सुरभि जी, बिल्कुल सही आंसर। तो चलिए नेक्स्ट आपके पास क्या, एक छोटा सा सिटिंग है। अब सिटिंग अरेंजमेंट सॉल्व कैसे करना है, क्योंकि आज पहली क्लास है, हम आपको बता देते हैं, आप हमारे साथ साथ सॉल्व करते जाइए ताकि आपका समय बच जाएगा। आपके पास एग्जामिनर जैसे जैसे स्टेटमेंट देता है उसको पढ़ते जाइए, सॉल्व करते जाइए। कहता है 6 व्यक्ति हैं आपके पास में, तो यहां पर 7 है, 7 पर्सन आपके पास है, 7 पर्सन एक लाइन में बैठे हैं। अब इन 7 व्यक्तियों की पंक्ति में कहता है आपके पास में ए बी सी डी ई एफ जी एक पंक्ति में बैठे हैं कुछ इस प्रकार से कि जो ई है आपके पास में, कहता है ई एफ के बाएं से तीसरे बैठा है, बायां यानी कि लेफ्ट साइड। जब कोई डायरेक्शन ना दी जाए तो बाय डिफॉल्ट आप क्या मानते हैं, नॉर्थ मानते हैं। बाय डिफॉल्ट रहता है आपके पास में नॉर्थ वाला पोर्शन, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब नॉर्थ फेसिंग करते हुए आपके पास में आपका लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट कहलाएगा, आपका राइट हैंड साइड क्या है, राइट कहलाता है, इस डायरेक्शन में याद रखना है। ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है, जब कोई डायरेक्शन ना दी जाए तो कौन सी डायरेक्शन, बाय डिफॉल्ट नॉर्थ डायरेक्शन, और नॉर्थ आने पर आपका लेफ्ट लेफ्ट होता है और आपका राइट राइट होता है। तो आपका लेफ्ट लेफ्ट साइड और आपका राइट राइट साइड करते हुए अब क्वेश्चन को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। कहता है सबसे पहले बी आपके पास इंफॉर्मेशन में ई जो कि है एफ के बाएं तीसरा बैठा है, तो एफ कहीं ना कहीं यहां होगा, 1, 2 और 3, ई को यहां पर प्लेस कर दिया। फिर कहता है इसी के तुरंत बाद में डी और सी का पड़ोसी नहीं है, जो कौन, जो का मतलब है आपके पास दूसरा व्यक्ति यानी कि एफ। हमेशा याद रखिए अगर आ जाता है बट आपके पास में एंड आ जाता है, एग्जामिनर पहले व्यक्ति के बारे में बात करेगा। अगर आ जाता है WHO फैमिली से कोई भी, तो इनके तुरंत पहले वाला व्यक्ति या सेंटेंस के दूसरे वाला व्यक्ति होता है, हमेशा इस बात को ध्यान रखना है। तो बस अब इसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कहता है एफ का पड़ोस में ना तो डी बैठेगा ना ही सी बैठेगा, लिखकर तुरंत क्या है, काटा लगा दिया। फिर कहता है आपके पास में ए और ई कोने पर बैठे हैं, यानी कि ये एक लाइन का कोना है। अब ये एक कोना है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यहां पर कौन आ जाएगा, ए आ जाएगा आपके पास। सिचुएशंस के अकॉर्डिंग क्या है, सॉल्व हो गया। फिर कहता है आपके पास जी एंड सी दोनों निकट पड़ोसी हैं, जी और सी यहां पर आ सकते हैं। इसके तुरंत नेक्स्ट में कहता है बी ई के दाई और दूसरा है, ई के दाई और ई से 1 और 2 यहां पर कौन बैठेगा, बी। तो यहां पर कंफर्म हो गया सी यहां आ नहीं सकता, तो जी यहां पर सी और एक सदस्य बच गया जिसके बारे में कोई जानकारी नहीं की गई, वो कौन हो गया आपके पास, डी अपने आप अरेंज हो गया। अब इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन पर आंसर बताइए, एकदम बाएं कोने पर कौन बैठा है, एकदम बाएं कोने पर कौन बैठा है आपके पास पूछ ले, या एकदम दाएं कोने पर कौन बैठा है, इनमें से कोई क्वेश्चन आ जाए तो आंसर क्या होगा, ए या ई में से आंसर होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास कहता है आपके पास में बताइए इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग, हमारे पास में सीक्वेंसेस पूछे जा रहे हैं। कहता है हु इज सिटिंग एट एक्सट्रीम लेफ्ट एंड ऑफ द लाइन, एकदम लाइन के एक्सट्रीम लेफ्ट एंड पर कौन बैठा है, लेफ्ट एंड पर कौन बैठा है, ई बैठा है आपके पास में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारे कहता है फाइंड द ऑड वन, एकदम ऑड वन आइडेंटिफाई कीजिए आपके पास में, जो इन सबसे क्या है, अलग है। अलग की अगर हम बात करें तो हमारे पास में जो इन सबसे अलग है वो आइडेंटिफाई कर रहा है। आसाम क्या है, राजधानी है, राज्य है, क्या है, एक राज्य है, स्टेट है। मिजोरम क्या है, स्टेट है। मणिपुर क्या है, स्टेट है। ये क्या है, राजधानी है। ये बाकी सब क्या है, राज्य है, और ये क्या है, राजधानी है। तो ये क्या हो गई, इन सबसे अलग हो गई। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पीड मेंटेन कीजिए फटाफट से, लेट्स सी सबसे पहले आंसर कौन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से स्पीड को मेंटेन करते हुए बताइए फटाफट से आंसर क्या होगा।
बटरफिश, डियर, स्क्वेरल, एलिफेंट, ये सब फिर से क्या है आपके पास में राष्ट्रीय या राज्य, इनको आपको देखना है। फटाफट से बताइए क्या होगा, ये सब क्या है आपके पास राज्य पशु हैं, क्या है राज्य पशु। अब राज्य पशु में आपको एक चीज को देखना है, राज्य पशु बटरफिश होती है, बिल्कुल होती है, आपके पास स्क्वेरल गिरहरी भी होती है, हाथी हमने अभी थोड़ी देर पहले किया, क्या नहीं होता है डियर, हिरन किसी का राज्य पशु नहीं है। तो आंसर सही क्या होगा आपके पास में, आंसर सही होगा राज्य पशु में हिरन, सेकंड वन इज योर राइट आंसर होगा, ऑड वन आउट, जो कि इन सबसे क्या हो जाएगा अलग। अब बात ध्यान रखिए, ये क्वेश्चन कब कर पाएंगे, जब आपको पता होगा कि किसी राज्य के पशु कौन कौन से हैं, ये चीज की जानकारी होगी तो ही आंसर क्या है सही आ पाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगेन साल, सीसम, देखते ही पता लग रहा है ये सब क्या है आपके पास में वृक्ष के नाम है, हाँ के ना, अभी तो किया था हमने। और हमारे पास जारुल क्या था, एक आपको पौधा दिखाया था, क्या था ये फूल था, तो ये वाला क्या है आपके पास फूल है, ये बाकी सब क्या है आपके पास में वृक्ष है। तो ये सबसे अलग कौन सा हो गया, फूल क्या हो गया सबसे अलग, तो आंसर सबसे सही क्या होगा जारुल। किस राज्य का आपके पास फूल था, ये कर्नाटक का राज्य फूल था आपके पास में, सॉरी महाराष्ट्र का राज्य फूल, तो ये चीज आपको क्या है ध्यान रखनी है। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, आपके पास काबुल, वेना, लापेंस, थिम्पू, ये सब क्या है, लेट्स सी सबसे पहले आंसर कौन करता है। इन सबको भी अगर आप ध्यान से देखें तो ये सब क्या है आपके पास में राजधानियां हैं, किसकी हैं, देशों की राजधानियां हैं, देश और राजधानियां हैं ये। और आपको पता है लापेंस क्या है आपके पास में एक राजधानी नहीं है, तो आपके पास में सही आंसर क्या हो जाएगा, आपके पास सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी ऑड वन हो जाएगा, थर्ड वन। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, हमारे पास में बुलबुल, जीरा, डॉग, ईगल, ये सब क्या है किसी ना किसी कंट्री के क्या है नेशनल बर्ड्स या नेशनल एनिमल्स हैं, नेशनल बर्ड और नेशनल एनिमल्स आपके पास हैं। तो अब यहां पर देखिए तो डव किसी का भी नेशनल बर्ड या नेशनल एनिमल नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपके पास ऑड वन आउट में, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज योर राइट आंसर। अब ये लास्ट क्वेश्चन हमने आपको इसलिए स्पीडली करवाए क्योंकि अभी आपके पास टॉपिक आपको नहीं कराया है, आपको सिर्फ हमने रिविजन दी है कि इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, आने वाली आपके पास हर कुछ क्लासेस में हम आपको चैप्टर्स कराएंगे और उसके कुछ क्लासेस के बाद क्या है थोड़े थोड़े समय में हम इस टाइप के क्वेश्चंस की क्या है रिवीजन करते रहेंगे। ये आपकी क्या है एग्जाम की स्ट्रेटजी रहेगी जिसके अकॉर्डिंग हम आपके पहले क्लासेस करवा रहे हैं, फिर आपके पास क्या है आपको टेस्ट सीरीज दे रहे हैं। तो ध्यान रखिए वीडियो क्लासेस में ही आपके पास क्या है आपकी तैयारी हो जाएगी। अगर आप रीजनिंग की क्लास अटेंड करते रहे तो 25 आउट ऑफ 25 इन 10 मिनट्स का टारगेट आपका रहेगा। तो फटाफट से हमें आज का स्कोर बता दीजिए अपना एक बार कि 25 में से किसका कितना स्कोर रहा, ताकि हम क्लास को यहीं पे एंड कर सके। फटाफट से हमें अपना स्कोर बता दीजिए आज का, लेट्स सी सबसे पहले स्कोर। विषम जी हमें अपना स्कोर बताकर जाइए कि स्कोर कितना है, हमारे जितने स्टूडेंट्स हैं उनका स्कोर कितना रहा आज, आप सब अपने आपको स्कोर कीजिए कि 25 में से कितना स्कोर है आपका है फटाफट से। चलिए ये अपना स्कोर आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे आपके पास कि आपका आज का स्कोर कितना रहा आज की क्लास में, तो उसी के रिगार्ड में हम आपके पास आगे आने वाली क्लासेस में क्वेश्चंस को लेकर आएंगे। आज की क्लास आपको कैसी लगी वो हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे ही, साथ में आपको एक महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन फिर से दे दें कि आपके पास वीडियो गुरु के पास जो है वीडियो गुरु के ऊपर स्पेशल ऑफर चल रहा है, लिमिटेड पीरियड के लिए है, सिर्फ 2000 यानी कि 1999 में, मात्र 1999 में SBI PO के प्री की आपको वीडियो क्लासेस मिल रही हैं, जिसकी वैकेंसीज कल ही रिसेंटली अवेलेबल हुई हैं, तुरंत आई हैं, यानी कि पूरा समय है और समय बहुत कम है, टाइम वेस्ट नहीं कीजिए क्योंकि कम समय में आपको ज्यादा तैयारी करनी है, इस बात का ध्यान रखिए। तो चलिए आपको आज का क्लास का सेशन कैसा लगा हमें बताइएगा कमेंट सेक्शन में लिखकर। अगर क्लास अच्छा लगा है तो लाइक करना नहीं भूलिए, लाइक करना आपका एक इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है। अगर आपको क्लास अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिए, अगर आपके पास कोई क्वेश्चन में कोई क्वेरी लगती है तो कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर बताइए। जितना हो सकता है क्लास के लिंक को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने स्कूलमेट्स, कॉलेजमेट्स सबके साथ में,
प्लस में अगर अभी तक किसी ने हमारे महिंद्रा गुरु के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस करना जरूरी है, जिससे आपको रूटीन बेसिस पे क्या है नोटिफिकेशंस मिलने शुरू हो जाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।